हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ये एक सीरीज़, जिसमें कि सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया टेंस। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स होता है टाइम, मतलब आपने एक्शंस को, घटनाओं को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन टाइम्स में आपने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ पास्ट, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर। पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आगे आने वाला है, आगे होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर। इन सभी को, तीनों टेंसेस को हमने फोर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पास्ट को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम यही काम हमने प्रेजेंट में किया है और सेम यही चीज़ हमने फ्यूचर के लिए भी की है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि आपको सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा, देन हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, देन वर्ब मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक फॉर्मूले के हेल्प से इसको समझते हैं। एस मीन सब्जेक्ट, एच वी हेल्पिंग वर्ब, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, एच वी हेल्पिंग वर्ब है और वी वर्ब है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर आपने ये सेंटेंस का फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया है तो इसकी हेल्प से ही हम आगे के सेंटेंसेस बना पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ज़रा देखते हैं कैसे। आप हमेशा याद रखेंगे, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्या है सेंटेंस? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सिक्वेंस यही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बाकी भी चीज़ें आ सकती हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें आपको सीक्वेंस यही मिलेगा। बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है कि हमेशा जो पहला हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको उसके बाद ही क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो आपको पहला हेल्पिंग वर्ब जो मिलेगा उसके बाद ही क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सेंटेंस इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? आपको याद रखना है कि अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब को, मैं पहला हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंसेस में कई बार दो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, तो इसलिए मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, अंदर से निकाल के बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपको सेंटेंस बनाना है इंटरोगेटिव तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर कर दीजिए, सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर सेंटेंस को बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो याद करिए आपने सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया था। आपने नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं किया था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था। अब आपको बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव तो आपको कुछ नहीं करना, सेंटेंस पहले से नेगेटिव बना हुआ है, आपने यहाँ पर नॉट लगा रखा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं, तो आपको याद रखना है अगर टेंस प्रेजेंट का हो, चाहे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, कोई भी हो, तो आपको यही हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है, इसके सिवा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी। अगर सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैव बीन, हैज़ बीन, ये सब आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ हो रही हैं तो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट का है। अगर सेंटेंस में डिड, वॉज, वो, हैड, हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रही हैं तो सेंटेंस पास्ट का है। और अगर सेंटेंस में विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रही हैं तो आप समझ जाएंगे सेंटेंस फ्यूचर का है। आगे चलते हैं। आपके सामने V1, V2, V3 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, उसी तरीके से सिंग, सैंग, संग। अब ये हमने सीख लिया, अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, आपके सामने टेंसेस के जो हमने उन तीन टेंसेस को फोर पार्ट्स में कैटेगराइज किया था वो सामने लिखा हुआ है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो इनडेफिनेट के नीचे लिखा हुआ है V1, कंटीन्यूअस के नीचे V+ ING, परफेक्ट के नीचे V3, परफेक्ट कंटीन्यूअस के नीचे V+
ing। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस इंडेफिनेट का है, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनेट हो, आपको उसमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अगर सेंटेंस परफेक्ट का है तो आप यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो आप यूज़ करेंगे वर्ब के साथ ing। और वर्ब का ing किसके साथ लगता है? ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं ज़रा यहाँ पर कि इंडेफिनेट में मान लीजिए हम यूज़ करते हैं गो, तो कॉन्टिन्यूस में वही हो जाएगा गोइंग, परफेक्ट में वही हो जाएगा गॉन, और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रहेगा? गोइंग। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस इनमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की ing फॉर्म, इंडेफिनेट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि केवल पास्ट इंडेफिनेट एक ऐसा टेंस होता है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है। तो आप याद रखेंगे सेकेंड फॉर्म किसके लिए बनाई गई है? सेकेंड फॉर्म बनाई गई है पास्ट के लिए। किसके लिए बनाई गई है? पास्ट के लिए बनाई गई है, इस टेंस के लिए बनाई गई है सेकेंड फॉर्म। ये आपके सामने सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं आप लोग, दिस इज सेकेंड फॉर्म हेयर। ये बनाई गई है पास्ट इंडेफिनेट के लिए। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट टेंस हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर आप एक टेंस को अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर आगे के सारे टेंसेस आप बड़ी इजीली सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये इसका रूल है। तो बन जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ के, आई वी यू इन तीनों को छोड़ के कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, आई वी यू को छोड़ के अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो हमको वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। फिर से दोहराता हूँ मैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई वी यू को छोड़कर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है दे गो। सब्जेक्ट आ गया दे, गो हमारा क्या हो गया? वी वन हो गया, दे गो। अब बनाएंगे नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव बनाने के लिए, मैंने आपको इसी फॉर्मूले में बताया था, ध्यान से देखिए कि नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, तो बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसमें आप देख सकते हो सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप नॉट कहाँ लगाओगे अब? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, या तो डू और या हम लेके आते हैं डज। अब सवाल ये उठता है कहाँ डू लगाना है और कहाँ डज लगाना है। तो फिर से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभी आई वी यू इन तीनों को छोड़कर अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। और बाकियों के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। सेम वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सब्जेक्ट आई वी यू को छोड़ के आता है तो आप वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। चलिए सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज दे गो। नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे लगाया डू नॉट। डू नॉट क्यों लगाया, डज नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने आपको बताया था आई वी यू इन तीनों को छोड़ के अगर कोई भी सिंगुलर आएगा तो आप डज नॉट लगाएंगे, लेकिन दे सिंगुलर तो नहीं है, दे इज प्लूरल, इसलिए हमने क्या लगाया? डू नॉट लगाया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, या यूँ कहें कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दीजिए, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दिया तो बन गया इंटरोगेटिव। आगे देखिए, आगे हमने बनाया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस जो था नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आपने सिर्फ डू को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ देखिए आप सेंटेंस बन गया डू दे नॉट गो, ये बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। आगे देखिए, ही के साथ जो हमने सेंटेंस बनाया है, सेंटेंस है ही, हमने लगाया यहाँ पर गो के साथ ई एस, ही गोज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था आई वी यू
इन तीनों को छोड़ के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब में आपको एस या ई एस लगाना पड़ेगा, यह मैंने आपको बताया था। तो ही हमारा क्या है, आई वी यू को छोड़कर भी आ रहा है और सिंगुलर भी है, तो हमने लगा दिया ई एस, तो बन गया ही गोस। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था सेम वही रूल कि अगर आई वी यू को छोड़कर आ रहा है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप लगाएंगे डज नॉट, अदरवाइज आप क्या लगाएंगे डू नॉट। तो नेगेटिव हो गया ही डज नॉट गो। इंटरोगेटिव के लिए आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग कर दी, डज ही गो। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस आपने जो नेगेटिव बनाया हुआ है उसमें से आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब दूसरे तरीके के इंटरोगेटिव्स की बात करते हैं जिनमें आप व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर ये सब यूज़ करते हैं, उनमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। आपने जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया था, ध्यान से देखिए, ये बनाया था, ये बनाया था, बस इनके आगे आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को लगा देना है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, कुछ भी हो। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है व्हाई डू दे गो, यहाँ पर हमारा सेंटेंस था, ध्यान से देखिए, डू दे गो, हमने इसके आगे कुछ नहीं किया, सिर्फ लगा दिया व्हाई, व्हाई डू दे गो, तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव का टाइप टू। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे सेंटेंस बनाए हम लोगों ने, व्हाई डू दे गो, वेयर डू दे गो, व्हेन डू दे गो, हाउ डज ही गो, वेयर डज ही गो, व्हेन डज ही गो, इस तरीके से हमने सारे सेंटेंस को बनाया है। अब आगे चलते हैं और सेंटेंस को सीख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं मानता हूँ क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंटीन्यूअस की अगर बात करें तो कंटीन्यूअस में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सब्जेक्ट और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और एम का यूज़ हम सिर्फ करेंगे आई के साथ, और वर्ब का आई एन जी फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं हम लोगों ने कैसे बनाया यहाँ पर सेंटेंसेस को, दे प्लूरल है तो हमने आर लगाया, तो दे आर गोइंग हो गया। नेगेटिव के लिए मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, तो दे आर नॉट गोइंग हो गया। और इंटरोगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, हो गया आर दे गोइंग। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए नेगेटिव सेंटेंस में, तो बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए हमने आर को बाहर निकाला तो देखिए ये बन गया आर दे नॉट गोइंग, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। उसी तरीके से ही इज़ गोइंग, नेगेटिव के लिए ही इज़ नॉट गोइंग, यहाँ पर इज़ को बाहर निकाला तो ये बन गया इज़ ही गोइंग, और यहाँ पर नॉट को बाहर निकाला तो ये बन गया इज़ ही नॉट गोइंग। उसी तरीके से बाकी इंटरोगेटिव्स हमने जो बनाए, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उनके आगे हमने क्या लगा दिया, इन वर्ड्स को लगा दिया, व्हाई आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, व्हेन आर दे गोइंग, हाउ इज़ ही गोइंग, वेयर इज़ ही गोइंग, व्हेन इज़ ही गोइंग। उसी तरीके से आगे चलते हैं, सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, रूल याद रखेंगे, आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे हैज़, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लगाएंगे हैव, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल देखते हैं, दे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने लगाया हैव, दे हैव गॉन। नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, तो सेंटेंस हो गया दे हैव नॉट गॉन। इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ निकालना है हेल्पिंग वर्ब को बाहर, बन गया हैव दे गॉन। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, और बन जाएगा हैव दे नॉट गॉन, ये बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसी तरीके से आपने ही के साथ सेंटेंस बनाया ही हैज़ गॉन, ही नेगेटिव के लिए ही हैज़ नॉट गॉन, हैज़ को बाहर निकाला बन गया हैज़ ही गॉन, और नेगेटिव में हैज़ को बाहर निकाला बन गया हैज़ ही नॉट गॉन। उसी तरीके से सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव देखते हैं, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने बनाए थे आपने उनकी शुरुआत इन वर्ड से कर दी, और बन गए ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही होते हैं, इनमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी हम बाहर से एक हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं जिसका नाम है डिड। मतलब अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको डिड नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, और डिड नॉट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, आपको अलग से लेकर आना पड़ेगा। देखते हैं कैसे, आपको पहले ही बताया था ये जो टेंस है ये चाहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, दे सब्जेक्ट और वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे वेंट। नेगेटिव के लिए मैंने आपको बता दिया आपको अलग से हेल्पिंग वर्ब लेके आना पड़ा था, जैसे कि इंडेफिनिट में आप लेके आए थे या तो डू नॉट लेकर आए थे या फिर आप डज नॉट लेकर आए थे, उस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में आप डिड नॉट लेकर आए, तो नेगेटिव बनेगा दे डिड नॉट गो। उसके बाद इंटरोगेटिव की बात करते हैं,
तो मैंने बोला था इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप स्टार्टिंग किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, तो डिड आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डिड दे गो, ये हो गया इंटरेगेटिव। इंटरेगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था, नेगेटिव सेंटेंस में से आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते ही बन गया सेंटेंस इंटरेगेटिव नेगेटिव, डिड दे नॉट गो। आगे देखिए, ही वेंट, ही डिड नॉट गो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव बनता है, ही डिड नॉट, वैसे ही ये जो सेकेंड फॉर्म यहाँ लगी हुई है, ये कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान से देखिए, जो सेकेंड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि डिड अपने आप में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए उसके साथ वापस से सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। आगे देखते हैं इसी में, इंटरगेटिव बनेगा डिड ही गो, मतलब आपने सेंटेंस की स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से कर दी, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका इंटरगेटिव, और डिड लग गया तो इसलिए वेंट की जगह यहाँ क्या हो गया, गो हो गया। आगे देखते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, बन गया डिड ही नॉट गो इंटरगेटिव नेगेटिव। और नीचे के जो सेंटेंसेस हैं इंटरगेटिव का टाइप टू बनाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो इंटरगेटिव सेंटेंस थे आपने उनके आगे क्या लगा दिया, इन वर्ड्स को लगा दिया, और बन गया सेंटेंस इंटरगेटिव टाइप टू। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, तो कंटिन्यूस का मतलब ही होता है, आपने पहले ही सीख लिया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसमें रूल रहेगा इसका सब्जेक्ट आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दे सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है, तो वर्ब वर लगाएंगे आप यहाँ पर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, दे वर गोइंग। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो अगर वॉज है तो वॉज नॉट हो जाएगा, वर है तो वर नॉट हो जाएगा, तो यहाँ देखिए दे वर नॉट गोइंग। इंटरगेटिव के लिए आपने क्या किया, सिर्फ वर को बाहर निकाल दिया, वर बाहर निकलते ही बन गया वर दे गोइंग। और इंटरगेटिव नेगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस जो बना हुआ है आपके सामने उसमें से वो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, बन गया इंटरगेटिव नेगेटिव, वर दे नॉट गोइंग। आगे देखते हैं, ही वॉज गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, और वॉज को बाहर निकाला तो बन गया वॉज ही गोइंग, और यहाँ पर वॉज को बाहर निकाला तो बन गया वॉज ही नॉट गोइंग। और उसी तरीके से हमने नीचे का इंटरगेटिव टाइप टू बनाया है, हमने सिर्फ इंटरगेटिव सेंटेंस में लगा दिया है आगे वाई, हाउ, वेयर, वेयर, वैन, वैन, तो बन गया इंटरगेटिव टाइप टू। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, रूल आपको याद रखना है, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट आएगा, फिर हमेशा हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वेरी इजी। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब हैड, और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैड गॉन। नेगेटिव के लिए हैड के बाद क्या लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, दे हैड नॉट गॉन। और इंटरगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, बन गया हैड दे गॉन। और इंटरगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, बन गया हैड दे नॉट गॉन। उसी तरीके से आप इनको देखिए, ही हैड गॉन, ही हैड नॉट गॉन, हैड ही गॉन, हैड ही नॉट गॉन। उसी तरीके से जो इंटरगेटिव सेंटेंस यहाँ बने हुए हैं उसी की स्टार्टिंग आप कर दीजिए इन वर्ड्स से, बन जाएगा इंटरगेटिव का टाइप टू। आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनेट का रूल आप याद रखेंगे, सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल आएगा, शैल का यूज़ हम सिर्फ करेंगे आई के साथ या वी के साथ। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस हमने बनाया है फर्स्ट, दे विल गो, नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे तो दे विल नॉट गो। इंटरगेटिव के लिए आप विल को बाहर निकाल देंगे, विल दे गो। और इंटरगेटिव नेगेटिव के लिए वही रूल, आप वापस से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे नेगेटिव सेंटेंस में से, तो बन जाएगा इंटरगेटिव नेगेटिव, विल दे नॉट गो। उसी तरीके से आप देख सकते हो, ही विल गो, ही विल नॉट गो, विल ही नॉट गो। उसी तरीके से नीचे के इंटरगेटिव्स हमने बनाए हैं, सिर्फ इंटरगेटिव्स के आगे हमने इन वर्ड्स का यूज़ कर दिया तो बन गया इंटरगेटिव का टाइप टू। उसी तरीके से ध्यान से आप देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस का आप रूल याद रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल तो आएगा ही, साथ में बी और लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो दो हेल्पिंग वर्ब हो गए हमारे पास, एक तो यहाँ पर विल हो गया, अगर विल यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, और बी हो गया यानी विल बी या फिर शैल बी, तो या तो विल बी लगेगा या शैल बी लगेगा, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई। हमको याद रखना है, हमको नॉट लगाना है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट विल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो दे विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग। नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे, दे विल नॉट बी गोइंग। अब बात करते हैं इंटरगेटिव के लिए, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ विल को बाहर निकाल देना है, सेंटेंस बन जाएगा ये देखिए इंटरगेटिव, विल दे बी गोइंग। इंटरगेटिव नेगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस जो बना हुआ है उसमें से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को, और बन जाएगा ये देखिए आप आपका इंटरगेटिव नेगेटिव, विल दे नॉट बी गोइंग। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं कि सेंटेंस बनाते हैं दे, इसको ध्यान से देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस को दे विल नॉट बी की जगह कर देते हैं दे विल बी नॉट, ये रॉन्ग है।
मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब या तो आपकी विल होगी या शैल होगी, बी तो बाद में आएगा। आगे देखते हैं, ही विल बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, विल ही नॉट बी गोइंग। नीचे का इंटरोगेटिव्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो इंटरोगेटिव्स बनाए हुए हैं उनके आगे आप क्या लगा देंगे, इन वर्ड्स को लगा देंगे, बन जाएगा इंटरोगेटिव का टाइप टू। आगे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का रूल बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको विल हैव का यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखिए, सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे विल हैव गॉन। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है हमारा, विल है या हैव है, विल है, तो नॉट का लगाएंगे, विल के बाद लगाएंगे आप। तो सेंटेंस हमने बनाया, दे विल हैव गॉन अफर्मेटिव, नेगेटिव के लिए दे विल नॉट हैव गॉन। इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे, सिर्फ विल को बाहर निकाल देंगे, बन गया विल दे हैव गॉन। और इंटरोगेटिव नेगेटिव के आप क्या करेंगे, आप जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस पर, नेगेटिव सेंटेंस आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, विल दे नॉट हैव गॉन। उसी तरीके से आप बना लेंगे सेकेंड सेंटेंस, ही विल हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन, विल ही हैव गॉन, विल ही नॉट हैव गॉन। ये बन गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नीचे देख सकते हैं आप लोग, नीचे जो हमने सेंटेंस बनाए हैं दे आर वेरी इजी सेंटेंसेस, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उनकी स्टार्टिंग हमने किससे कर दी है, इन वर्ड से कर दी है और सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव का टाइप टू। आशा करता हूँ आपको टेंसेस समझ आए होंगे और जल्द ही मिलेगा आपको इस वीडियो का पार्ट टू। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।